हेलो एवरीवन, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि लोग उनकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करें। जब हम किसी को देखते हैं कि लोग उनके पीछे पागल हैं, उनसे बात करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, तब हमारे दिमाग में आता है कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या चीज इन्हें खींच रही है उनकी तरफ? क्या उनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी या उनका ओरा या कुछ और? ये सब सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं कि मैं नहीं बन सकता या बन सकती ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ऐसे बन सकते हैं कि दुनिया हमारे पीछे पीछे भागे। बस थोड़ी हैबिट्स चेंज करनी होगी हमें अपनी, फिर देखना लोग कैसे आपकी वैल्यू करते हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपने नोटिस किया होगा, जिन लोगों के पीछे लोग भागते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उन लोगों में एक करिश्मा होता है हर बात को लाइटली लेने का। जब वो किसी से बात करते हैं, बड़ी खुल के आराम से करते हैं, दूसरों को कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि मैं कुछ हूँ। इसी बात की वजह से लोग अमेज्ड फील करते हैं। ये पहला सीक्रेट है उनका कि वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं दूसरों को, कि दूसरा पर्सन खुल के उनसे बात कर पाए। और जब वो अपनी बात खुलकर कर पाते हैं बिना डरे, तो वो उस पर्सन को काफी वैल्यू भी करने लगते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब ही है दूसरे को एक्नॉलेज करना, रिवार्ड देना उसके बिहेवियर, अचीवमेंट और क्वालिटीज का। इसलिए सिंसियर कॉम्प्लीमेंट दो, एप्रिसिएशन करना सीखो और दूसरे को इनकरेज करना सीखो। इससे दूसरे की सेल्फ एस्टीम तो बूस्ट होती है, साथ ही साथ इसका पॉजिटिव इफेक्ट आप पर भी होता है। फिर देखना आप कितने पॉपुलर होते हो और लोग कैसे आपकी वैल्यू करते हैं। बिन बोले अपना काम करवाना। आपने कितने लोग देखे होंगे जिनके काम बिना बोले ही हो जाते हैं, उन्हें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऐसे लोग हर मोमेंट पर अटेंटिव रहते हैं, हर चीज का ध्यान होता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा डिजायरेबल होते हैं लोगों के लिए। ये हैबिट पैदा होते नहीं आती आप में, आपको डेवलप करनी पड़ती है। आप हर मोमेंट पर फुल्ली प्रेजेंट होने चाहिए। जब आप अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन देते हो किसी भी चीज में, तब एक मैग्नेटिक एनर्जी दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। पर यहाँ शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करें, बस अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ और कंफर्टेबल रहो। इससे काफी अच्छा सक्सेस भी मिलता है आपको हर एरिया में आपकी लाइफ के। और तो और, आप कैपेबल और कॉम्पिटेंट भी दिखते हो अपनी पर्सनल लाइफ में। अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ, फिर देखो लोग कैसे वैल्यू करते हैं आपकी। अपने बोलने का तरीका बदलो। आपने काफी सारे लोगों का बोलने का तरीका नोटिस किया होगा, बिना एफर्ट करे वो दूसरों को इंगेज कर लेते हैं अपनी बातों से। इसलिए अपनी बातों के तरीके पर वर्क करें, उसे अच्छे से अच्छा बनाएं कि लोग आपके साथ इंगेज हों। बात स्मार्टली और वाइजली करो, ना कि इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोलते जाओ। सोच समझ कर बोलो, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करो, अपने आइडियाज को बड़े अच्छे से कामली समझाओ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने थॉट को क्लैरिटी और प्रसिशन से अपनी ऑडियंस को बताना, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो पाएं। जो लोग थॉटफुली और इंटेलिजेंटली बात करते हैं, उनसे लोग ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी डोमिनेट ना करें और बात को काटे नहीं किसी की किसी भी कन्वर्सेशन में। इससे लोग आपको थॉटफुल पर्सन समझेंगे और आपकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अभी से अपने बात करने के तरीके पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो। ज्यादा दो और एक्सपेक्ट कम करो। अगर अपनी वैल्यू कराना चाहते हो तो आपको अपने वर्क में 100% देना होगा और कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होगी। बिल्कुल सही सुना आपने।
क्योंकि जिन लोगों की हम वैल्यू करते हैं उनका एक यूनिक वे होता है, सेल्फलेसली वो हर हेल्प देते हैं और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ये सबसे अच्छी हैबिट है। ऐसे लोग जानते हैं कि अगर हम बिना कुछ लिए किसी की हेल्प करेंगे तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। उससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है और साथ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी वो छोड़ देते हैं दूसरों के आगे। जब आप ऐसा माइंडसेट बनाते हो कि ज्यादा से ज्यादा देना है और कम से कम एक्सपेक्ट करना है, तब आप खुद से दूसरों पर ज्यादा फोकस करने लगते हो, उनकी नीड्स पर, उनको सपोर्ट करने पर, और ये आपकी जेन्युइननेस शो करता है दूसरे के प्रति। इससे लोग आपकी वैल्यू भी करते हैं ज्यादा से ज्यादा। सहानुभूति रखना सीखो दूसरों के लिए। क्या आप जानते हैं एम्पैथी आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल सही सुना। उस पर्सन के बारे में सोचो जरा जो पर्सन आपकी वैल्यू करता है और आपको अच्छे से समझता है, और उसकी बात कितनी इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में। ये इसलिए क्योंकि जो भी आपका टफ टाइम पर साथ देता है उसे भुलाना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यू करानी है तो आपको एम्पैथी होनी चाहिए दूसरों के प्रति। इससे लोग सेफ और सपोर्टिव फील करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप एक्नॉलेज और वैलिडेट कर रहे हो दूसरों के इमोशन को। इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और तो और डीप कनेक्शन भी बनेगा। जो लोग एम्पैथी रखते हैं दूसरों के प्रति, वो लोग ज्यादा लाइकेबल, ट्रस्टवर्दी और सोशली कॉम्पिटेंट होते हैं। इससे आप दूसरों के साथ कोऑपरेशन रखना सीखते हो और कॉन्फ्लिक्ट को भी इफेक्टिवली रिजॉल्व करते हो। याद रखो, जब आप एक एम्पैथेटिक कनेक्शन क्रिएट करते हो तब आप शो करते हो कि वो पर्सन मैटर करता है आपके लिए। यही आपकी वैल्यू कराता है। फिर हर सिचुएशन को अडैप्ट करना सीखो। जब आप हर सिचुएशन और हर कनेक्शन को अडैप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में इजीली, ये एक पावरफुल हैबिट है जिससे लोग काफी पसंद करते हैं। इस एबिलिटी की वजह से आप हर जगह एडजस्ट हो जाते हो, हर सिचुएशन में उस चेंज को एम्ब्रेस करते हो और ओपन माइंडेड भी रहते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। ऐसे लोग रिमार्केबल इफेक्ट छोड़ते हैं दूसरों पर अपने बिहेवियर और पर्सनालिटी की वजह से। जब आप अडैप्टेबल होते हो तो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट दिखता है दूसरों के प्रति। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी रहते हो, डिफरेंट चीजें लर्न करते रहते हो। इससे आप रिलेटेबल और अप्रोचेबल दिखते हो, और तो और आप अपनी वैल्यू भी बढ़ाते हो। लोग अप्रिशिएट भी करते हैं आपके बिहेवियर को। गॉसिप्स को अवॉइड करना सीखो। गॉसिप करने से एकदम से आपकी नेगेटिव इमेज बनती है और लोग आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। इससे नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। इसलिए जो लोग अपनी वैल्यू कराना चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी की पावर का बड़े अच्छे से पता होता है। वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं और अवॉइड करते हैं उस कन्वर्सेशन को जो नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म से भरी होती है। इन सब के बजाय वो फोकस करते हैं दूसरों को अपलिफ्ट और इंस्पायर करने में, जिससे लोग एक दूसरे के साथ आएं और साथ काम करें। नेगेटिव गॉसिप्स को अवॉइड करने से आप स्पेस देते हो मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन को। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी वैल्यू बढ़ाती है और दूसरे के आगे आपका अच्छा इम्प्रेशन डालती है। इसलिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए गॉसिप से दूर रहने का। फिर देखना कि आपके आसपास कितनी पॉजिटिविटी रहती है और आपकी कितनी वैल्यू बढ़ती है। इन हैबिट्स को अपनाओ अपनी लाइफ में, फिर देखो लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं हर जगह पर। इससे आप खुद को ट्रांसफॉर्म भी करोगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगी आपकी लाइफ में। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।